चलते हैं सैटरडे की तरफ, शनिवार। शनिवार वार में ही शनि है। कहते हैं कि शनि का प्रभाव हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन अगर शनि का प्रकोप हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जब हम बेटी बहू को भी, जब वो मायके जाती है ससुराल से, तो शनिवार को नहीं भेजते हैं। या फिर कोई बेटी बहू जब मायके से ससुराल जाती है काफ़ी दिनों के बाद या वेकेशन के बाद, उसको यही कहते हैं कि शनिवार को नहीं भेजेंगे, हम अगले दिन भेजेंगे। तो ये शनिवार को अब कैसे सही किया जाए? शनि में ही वार है, वार में ही शनि है, इसे त्यौहार बनाना है। जो लोहे के व्यापारी हैं, ऑयल के व्यापारी हैं, किराने के व्यापारी हैं, उन्हें शनि का प्रकोप सबसे ज़्यादा सताता है, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। अब शनि को अच्छा कैसे करें? शनि तो वैसे ही अच्छा है, और अच्छा करने के लिए संतों के चरणों में चले जाएं, क्योंकि संतों के चरणों में आने के बाद शनि अपने आप में ही नतमस्तक हो जाता है। तो जीवन में यदि आपको लग रहा है कि शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, ससुराल अगर हम शनिवार को आ गए या मायके हम शनिवार को आ गए, अब क्या करें, क्या समाधान करें? सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑयल की शीशी अपने गुरु जी के चरणों में जाइए। जब वैयावृत्ति का समय होता है, आप ऑयल से गुरु जी की वैयावृत्ति कीजिए। जब ऑयल से गुरु की वैयावृत्ति करेंगे तो शनि का प्रकोप धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला जाएगा। सबसे अच्छा प्रयोग है आपके बीच में। उसके बाद प्रातःकाल बेला में एक चांदी की थाली में गुरु के चरणों को स्थापन कीजिए, और उनका मंत्रोच्चारण के साथ ओम शम शनिश्चराय नमः, जो हिंदू जपते हैं, या फिर नमो लोए सब स्वर्णम, नमो लोए सब स्वर्णम, नमो लोए सब स्वर्णम, इस मंत्र का जाप करके आप जितने साल के होंगे उतनी धारा आप छोड़ते जाइए। उससे भी आपका शनि ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। उसके बाद जब मंदिर में जाते हैं, यदि वहाँ मूलनायक भगवान मुनि सुब्रतनाथ हैं या कहीं पर भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति हो, वहाँ पर जितने साल के आप हो गए हैं उतनी आप परिक्रमा लगाइए, लौंग लेकर के। एक परिक्रमा पूरी हो एक लौंग चढ़ाएं, फिर अगली परिक्रमा फिर एक लौंग चढ़ाएं, तो जितने साल के हो गए हैं उतनी लौंग आप मंदिर में चढ़ाएंगे। उसके बाद एक श्रीफल ऐसे पूरे मनोभाव के नाक के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं शनि से ग्रसित हैं, बार बार परेशान होते हैं, घबराते हैं, तो वह थोड़े से चावल पकवा लें, दही मिलाएं। दही और चावल मिलाने के बाद जो आपका विशेष मंत्र है, इस मंत्र का आपको बार बार उच्चारण करना है। उसके बाद प्रातःकाल भोजन करने के पहले, नाश्ता करने के पहले, थोड़े से दही चावल आपको कौवे को डालना है, थोड़े से दही चावल आपको कुत्ते को डालना है, बाकी जो दही चावल आपके बचे हैं वह आप गाय को दे सकते हैं। यह उपाय आप भी कर सकते हैं। कितने क्वांटिटी में होना चाहिए? तो कम से कम 1.25 किलो की क्वांटिटी में। यदि कोई भी जीव नहीं आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा शक्कर मिला के आप गरीबों को भी आप बांट सकते हैं। इसके बाद इडली जिसमें उड़द मिली होती है, उड़द की दाल रहती है, वही भी आप गरीबों को बांट सकते हैं जितने साल के आप हो गए हैं। इससे भी आपके शनि ग्रह की शांति हो सकती है। तो जीवन में शनि का समाधान गुरु के चरणों में रहने से होता है, गुरु के आशीर्वाद के साथ होता है। तो जब आपको लगे कि इस प्रकार की तकलीफ आपके जीवन में आ रही है, बस आप इस प्रकार के उपाय करते रहेंगे तो शनिवार भी अच्छा होगा आपका, शनि ग्रह भी अच्छा होगा। यह छुट्टी का समय होता है, परिवार के साथ रहने का समय होता है, रिश्तेदारों के साथ जाने का समय होता है, वाहन से यात्रा करने का समय होता है। तो आपकी यात्रा निर्विघ्न हो इसके लिए भी आप शनिवार को एक नारियल पानी वाला लीजिए, 7 बार अपने गाड़ी से बाहर से उबारिए। उबारने के बाद एक मंत्र है, ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। इस मंत्र के साथ उस नारियल को फोड़ करके आप चारों टायरों में डालिए और यही बोलिए कि मेरी यात्रा निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो। इसके बाद हॉर्न बजाइए 7 बार, फिर आप अपनी यात्रा पर निकल जाइए। तो शनि ग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान, जो शनि आपके देवता हैं, जो हिंदू पद्धति से माने और देखे जाते हैं, वही भी प्रसन्न रहेंगे और आपका जीवन प्रसन्न और सुखी आनंदित हो सकता है।